अल्लाहम क्या हाल चाल है माई YouTube फ़ैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खुश होंगे अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ एक मज़ेदार डिश के साथ हूँ आपके सामने हाजिर तो जी आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कड़ी की रेसिपी और कड़ी वो चीज़ है जो हर घर में बनाई जाती है और सबको पसंद होती है और बच्चे बड़े बुज़ुर्ग हर कोई बड़े शौक से खाता है क्योंकि इसके अंदर होते हैं मज़ेदार किस्म के पकौड़े जो हम लोग रूखे भी खाते हैं और कड़ी के साथ भी खाते हैं और बड़ा ही मज़े मज़ा आता है तो चलें जी किचन में चलते हैं और किचन में चल के बनाते हैं मज़ेदार किस्म की कड़ी डिटेल के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी रेसिपी को एंड तक देखिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा तो जी सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर में मैंने कड़ी बनाई थी क्योंकि इसका ज़रा ना ऊंचाई होती है और कड़ी को पकना होता है काफ़ी टाइम तक ना इसलिए मैंने इस तरह का बर्तन लिया था तो बस आपने इस एक ऑयल लेना है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा डालना है प्याज मैंने यहाँ पे तकरीबन दो प्याज को चॉप्ट किया था अच्छे तरीके से इतना फ़ाइन चॉप्ट किया था ताकि उन उसके ना वो आ, अगर मैं मोटा काटती ना तो वो फिर कड़ी के अंदर आते तो उसका मसाला आपने ऐसा रखना है कि अच्छी तरीके से ना उसकी बुनाई हो जाए बस यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से प्याज को गोल्डन फ्राई किया उसके बाद मैंने उसके अंदर डाला अदरक लहसुन दो टमाटर नमक लाल मिर्च हल्दी सूखा धनिया ये सारे मैंने इंग्रेडियंट्स इसके अंदर आपके सामने देखे देखे के के मैं ऐड कर रही हूँ उसके बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से हिलाया थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया और उसका मसाला इतनी अच्छी तरीके से स्मूथली उसका उसको उसकी बुनाई करनी है ताकि जब हम लस्सी ऐड करें ना तो उसके ना वो लम्ब ना बने और वो बड़े अच्छे तरीके से ना हल हो जाए फिर मैंने तकरीबन एक किलो दही लिया था और उसके अंदर मैंने ढाई सौ ग्राम बेसन लिया था और उसको ना एक दफ़ा अच्छी तरीके से ना ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरीके से उसको हिला लिया था ताकि ना गुटलियाँ ना बने बेसन की ये चेक करें ये देखें मैंने अच्छी तरीके से इसको इतना मिक्स किया था कि गुटलियाँ बिल्कुल ना बने और बिल्कुल वो लस्सी की शक्ल इस हो जाए तो बस ये बेसन वाले जो लस्सी है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी एक किलो दही के साथ तो बस अब उसको उसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया ये देखें ये माशाल्लाह ये इसकी शेप आएगी उसके बाद मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया और इसमें हल्दी जाएगी। बहुत जाएगी बहुत ज़्यादा हल्दी इसमें ऐड होती है कड़ी में जितनी हल्दी तकरीबन आपकी दस दिन में लग जाएंगे ना उतनी है आपकी हल्दी ये इस कड़ी में जाती है दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे मिक्सचर बना लिया था पकौड़ों का और पकौड़ों का मिक्सचर तो माशाला सबको बनाना आता है इतना हर किसी के घर में बनता है रमज़ान में तो माशाला सबके घर में पकौड़े बनते हैं इस तरफ मेरी कड़ी बन रही थी और ये देखिए कड़ी का मतलब होता है पकना यानी कि कड़ना तो ये देखें मेरी कड़ी जो थी ना वो कर रही थी और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बनाया था और बहुत अच्छे तरीके से इसकी वो आ, सब कुछ इसमें ऐड करके और पकाया था क्योंकि अब मरहला होता है पकाने का तो यहाँ पे पकोड़े मैंने बनाए थे अच्छा एक चीज़ ना आप आपने आपने देखनी है कड़ी में ना हमेशा पकोड़े थोड़े ना सख्त रखने चाहिए अगर हम सॉफ्ट पकोड़े रखेंगे ना तो वो कड़ी के अंदर पकेंगे तो फिर वो ना बिल्कुल ही हलवा से हो जाएंगे तो यहाँ पर माशाला ये चेक करें ये मेरे पकोड़े बन गए थे और मैंने कड़ी के अंदर डाल दिए थे उसके बाद जी मैंने ये तड़का लगाया था जो कढ़ाई के अंदर था ना ऑयल उसके अंदर मैंने ज़ीरा मोटी मिर्चें डाल के तो तड़का बना लिया था और मैं उसके ऊपर डाल रही थी और ये लगा रही थी और ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है कितनी मज़ेदार किस्म की लग रही है और बहुत ही मज़े की बनी थी यकीन मानिए बहुत अच्छी बनी थी चलिए मैं आपको प्रजेंटेशन दिखाती हूँ तो साथ में आपको बताती हूँ ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई थी और बहुत ही अच्छी बनी थी माशाल्लाह घर में सबको पसंद आई थी तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ क्योंकि माशाल्लाह सबको बनानी आती है लेकिन जो मेरी रेसिपी शौक से देखते हैं ये मेरी रेसिपी उनके लिए है तो जी ये मेरा छोटा सा व्लॉग था और आपके साथ मैंने शेयर किया और इसके साथ जी कड़ी बने और चावल ना बने तो मैंने तो चावल भी बनाए थे तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए क्योंकि बॉयल चावल तो सबको बनाने आती हैं तो कड़ी के साथ खाने का बड़ा मज़ा आता है चलें जी अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आऊँगी एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नेगेबान अपना बहुत ख्याल रखिएगा